राजधानी जयपुर की फागी थाना पुलिस को महिला की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक नारेड़ा गांव में सड़क के पास 28 मार्च को खेत में महिला का शव मिला था। ऐसे में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में फागी थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। SHO भंवरलाल वैष्णव से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेश जाट और मृतक महिला के बीच में अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी सुरेश जाट ने कई से उधार रुपए लेकर मृतका को दिए। इस दौरान आरोपी ने उधारी से परेशान होकर सुनीता गुर्जर को मारने की यहां पर योजना बनाई और अपने ही मित्र नानूराम लुहार के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। हाँ, नारेड़ा में जो हत्या हुई थी उसके अंदर हमने दो मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, सुरेश जाट है, दूसरा नानूराम लुहार है। और ये सुरेश जाट पहले से इस लेडी के संपर्क में था, तो बाद में ये घटना से फरार हो गया था, तो हमने इसको हरमाड़ा इलाके के अंदर से गिरफ्तार किया है और अनुसंधान